ये है राधा रानी की खड़ामू है, जो लकड़ी की होती है, ये वो है। ये खड़ामू जो ये दूध दही माखन मिश्री की कटोरी है ठाकुर जी की, जो माखन मिश्री यहाँ बैठ के खाते थे ठाकुर, इसी में खाते थे ठाकुर जी। हाँ, भगवान कृष्ण का, ठाकुर जी का ये वो पैर है जब एक पैर पे उन्होंने खड़े होके बांसुरी बजाई थी। तो हेलो गाइस, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन से 14 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। तो अभी तो मैं निकल चुका हूँ श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े दुश्मन उनके मामा के घर, मतलब गाइस कंस किला, जो कि मथुरा में आज भी है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे कंस किला और फिर उसके बाद हम जाएंगे गोवर्धन पर्वत, जो कि 7 दिन और 7 रात कान्हा जी ने अपनी उंगली पे उठाया था। और गोवर्धन पर्वत भी मथुरा से 30 किलोमीटर दूर है। तो बने रहो वीडियो में, आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। 2000 years later. तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं मथुरा और मैं आ चुका हूं कंस किले के आसपास की गलियों में। और कंस किला यहां से अभी भी आधा किलोमीटर दूर है, तो अभी तो हमें पैदल पैदल ही जाना होगा। ये देखिए गाइस, ये है वही गलियां जहां से कंस अपने किले में जाया करता था, और ये है इस किले की मेन सीढ़ियां जो कि हमें किले के अंदर पहुंचाती हैं। और किले की हालत देखिए गाइस, कितनी खराब हो चुकी है भाई। जैसे कंस ने कर्म किए थे वैसे ही उसकी किले की हालत हो चुकी है, एकदम खंडर और एकदम कबाड़ होता जा रहा है उसका किला। और इसी किले की जेल में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, क्योंकि कंस इतना निर्दयी और इतना बड़ा राक्षस था कि उसने अपनी बहन को ही और अपने जीजा को जेल में बंदी बनाकर कारागास में डाल दिया था। तो अभी मैं आ चुका हूँ कंस किले के मेन गेट पे, जो कि इस समय कुछ ऐसा दिखता है। और ये है कंस किले के अंदर का नज़ारा, जो कि आज के युग में कुछ ऐसा हो चुका है। बस कहने को इसकी कुछ दीवारें बची हुई हैं और किले के अंदर का एरिया पूरा खंडर हो चुका है। जहां जहां तक आप नजरें दौड़ाओगे बस कुछ ही भाग है जो आपको दिखेगा जो बचा हुआ है। और गिने चुने ही लोग होते हैं जो कि इस किले को देखने आते हैं, वरना इस किले को देखने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय कार्यालय बन चुका है। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस किले की छत के ऊपर और आप लोगों को मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तो इस किले के सामने से ही आपको दिख जाती है माता यमुना नदी और पूरा का पूरा मथुरा शहर। वैसे यहाँ से देखने में तो मथुरा शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए ये जगह फिलहाल के टाइम तो बेस्ट है। तो गाइस, कंस किला एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ चुका हूँ विश्राम घाट। ये विश्राम घाट वही जगह है जब श्री कृष्ण भगवान ने काफी समय तक कंस से युद्ध किया और फिर उनका वध किया, तो इसी जगह पे आकर उन्होंने आराम किया था और इसीलिए इस जगह का नाम विश्राम घाट पड़ गया। और शाम के टाइम जब यहाँ पे आरती होती है तो ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं भाई मथुरा की सबसे पतली गली में। ये देख सकते हैं गाइस कितनी पतली गली है, इधर सिर्फ 2 ही आदमी एक साथ जा सकते हैं, तीसरा आदमी नहीं जा सकता। तो कंस किला और विश्राम घाट देखने के बाद मैं निकल चुका हूँ गोवर्धन पर्वत की ओर, जो कि मथुरा से 30 किलोमीटर दूर है। तो मथुरा से 30 रुपए देकर मैं बैठ चुका हूँ इस ऑटो में, जो कि काफी तेज चल रहा है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये हमें टाइम से पहुंचा देगा। 2000 years later. तो फाइनली गाइस, पूरा 1.5 घंटा ट्रेवल करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ गोवर्धन पर्वत। आप देख सकते हैं ये वही पर्वत है जो कि कृष्ण भगवान ने 7 दिन और 7 रात अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाया था। और ये पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, क्योंकि इसी पर्वत से भगवान कृष्ण की बाल रूप की लीलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि हमें यहीं पे रहने वाले यहाँ के पुजारी जी बताएंगे। ये है इंद्र का ऐरावत हाथी का पग। अच्छा, ऐरावत हाथी के पैर का निशान है। हाँ, यहाँ पे जो इंद्र बैठ के आया। अच्छा, और ऐरावत हाथी आकाश गंगा का सूंड में भर के जल लेके आया था। अच्छा, ये वो है। अच्छा, ऐरावत हाथी का पैर। तो गाइस, पुजारी जी हमें जब की बातें बता रहे हैं जब इंद्र देव इस पर्वत पे आए थे। ये है श्याम करण घोड़ा का पैर जो इंद्र, हाँ, इंद्र लेके आयो अपने साथ। अच्छा अच्छा, ये तीनों दबन है, इंद्र दबन, देव दबन और नाग दबन। ये हाँ, यहाँ तीनों को मान मर्दन करो ठाकुर जी ने, मान खंडित। अच्छा,
तो गाइस पुजारी जी ने हमें बताया जब इंद्र देव के साथ उनके हाथी घोड़े और नाग आए थे तो ये उनके अवशेष हैं जो कि पुजारी जी ने हमें दिखाए है। सुरभि गाय की दूध की धार जो इंद्र सर ने 7 दिन 7 रात बरसात की। अच्छा, तो ठाकुर जी के लिए अभिषेक के लिए दूध चाहिए था तो सबसे पहले सुरभि गाय आई थी तो उसी के दूध की धार बनी हुई है। हाँ, उसी के दूध की धार है भैया। तो गाइस आप देख सकते हैं जो सुरभि गाय आई थी ना इंद्रदेव जी के साथ और जो जो बछड़ा जो दूध पी रहा था जो उसके मुंह से टपक रहा था उसी से बनी ना। नहीं नहीं, ये सुरभि गाय की आप ही छोटने लग गई थी। अच्छा, आप ही छोटने लग गई। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये कोई बना नहीं सकता, ये उसी जमाने की है ये दूध की धारे। ये बलदाव जी का हाथ है जो ये गिरिराज जी बहुत ऊंचा जा रहा था तो ठाकुर जी ने बोला कि भैया इसको रोको तो बलदाव जी ने यूं हाथ मारा तो ये बलदाव जी का हाथ है। अच्छा, तो गाइस पुजारी जी ने हमें बताया जब गोवर्धन पर्वत बहुत ही ऊपर बढ़ रहा था तो कान्हा जी ने बलराम जी को बोला कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसको रोको, तो तभी दाव जी ने पर्वत पे हाथ मारा और इस पर्वत को वहीं पे रोक दिया। यहाँ ठाकुर जी बैठ के ढोलक बजाते थे तो ये बजनी शिला है। अच्छे से आवाज निकलती है। तो गाइस आप देख और तुम कहीं बजाओगे तो ये नहीं बजेगी। अच्छा, वो सिर्फ यहीं पे बजेगी, यहीं बजेगी जहाँ भगवान कृष्ण जी ने बजाई। यहाँ इंद्र ने जब 7 दिन 7 रात बरसात करी मूसलधार ये गिरिराज जी की शिलाओं में भी छिंद हो गए, तो छेद हो गए थे बारिश गिरने की वजह से। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं जब 7 दिन 7 रात लगातार बारिश हुई थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बारिश के निशान है जहाँ छेद हो गए इन पत्थरों में आप देख सकते हैं। ये ठाकुर जी को कान है जो गाय चराते समय सो गए। अच्छा, ये कान है। हाँ, और ये है राधा रानी की खड़ामू है जो लकड़ी की होती है, ये वो है। ये खड़ा हुआ है जो। तो गाइस काफी भाग्यशाली समझ रहा हूँ मैं अपने आप को क्योंकि बहुत ही अद्भुत लीलाएं हैं इस पर्वत पर जो कि श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप से जुड़ी हुई हैं और मुझे और आप लोगों को वो लीलाएं देखने का अवसर मिल रहा है। ये सिंदूरी शिला है जहाँ राधा रानी ने मांग भरी और मांग भर के ठाकुर जी महाराज में ले गए उनको। अच्छा, ये वही है। हाँ, आज भी सिंदूर निकलता है। आज भी सिंदूर निकल रहा है गाइस, आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे ऐसे रगड़ते हैं तो सिंदूर आता हाथों में। आ जा, ये चंद्रमा है। ठाकुर जी ने मांगो ना मैया मोई कछूना चाहिए, चंद्र खिलौना ही चाहिए। जब कांसे की थाली में जल भर के दिखाए और ठाकुर जी ने, जब ठाकुर जी रोवे से शांत हुए तो ये चंद्रमा है। नहीं, चंद्रमा है, चंद्रमा ये। ये गोपेश्वर महादेव हैं जो गोपी को रूप धर के महाराष्ट्र में गए ठाकुर जी। अच्छा, शिव जी, शिव जी उनका शिवलिंग। ये दूध दही माखन मिश्री की कटोरी है ठाकुर जी की, जो ये माखन मिश्री यहाँ बैठ के खाते हैं ठाकुर, इसी में खाते थे ठाकुर जी। हाँ, ये सुरभि गाय थी उसके बछड़े के पैर हैं जो इंद्रदेव जी के साथ आई थी। हाँ, ये ठाकुर जी को पैर है जो एक ही पाम पे बंसी बजाई ठाकुर जी ने, ये वो पैर है, यही वो पैर है। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण का ठाकुर जी का ये वो पैर है जब एक पैर पे उन्होंने खड़े होके बांसुरी बजाई थी। ये बजरंगबली है जो जीवन बूटी लेके जा रहे थे लक्ष्मण जी के काजे, तो भरत जी ने सोचा कि कोई राक्षस जीवन बूटी लेके जा रहा है तो उन्होंने जो तीर मारा और ये उनकी छाया है या राम राम कह के गिर पड़ी। और ये है कामधेनु गाय का पैर है जो समुद्र मंथन के समय निकली थी, ये उसी गाय का पैर है। हाँ, कामधेनु गाय, कामधेनु। ये फिसलनी से लाए ठाकुर जी जा रहे तो गिर पड़ी तो सब ग्वाल वाल हंसने लगे कि मतलब कैसे गिर गया भाई, तेरे यहाँ तो माखन मिश्री सब होता है। हाँ, तो यहाँ से तो ठाकुर जी ने कही भाई फिसल गया,
तो ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला है, जब उठे तो ये उंगली के निशान है उनकी। अच्छा, ये उंगलियों के निशान है जब ऐसे उठे उस पे हाथ रख के। हाँ अच्छा, फिसलनी शिला है ये नेत्र ठाकुर जी के, जो महाभारत हुई थी ना, जो दृष्टि दी थी संजय को देखने के लिए, तो फिर जब महाभारत समाप्त हो गया तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र लेके इधर स्थापित किए। अच्छा, तो ये कमल नेत्र है। ये है राधा रानी के 16 सिंगारे, जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ये सब राधा रानी के 16 सिंगारे। जब राधा रानी पहली बार बरसाने से इधर आई तो ब्रज सब उतरवा दिया, जब ब्रज का ग्रहण करवाया, जब ठाकुर जी महाराष्ट्र में ले गए उनको। अच्छा, ये नरसिंह शिला है जो हिरण्यकश्यप मारा था, जब ठाकुर जी ने नरसिंह रूप धरा, ये नरसिंह शिला है। ज्ञानो खाए ब्यानो है वो। ये एक कृष्ण के बड़े भाई बलराम, यहाँ से इन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन महाराज के दर्शन किए छुप छुप के, लुक लुक के, तो इनका नाम पड़ा है लुक लुक दाऊ जी, ये शेर का मुख है ठाकुर जी का। और ये इनके घर से विराजमान रेवती जी हैं, घरवाली। इनके घरवाली नहीं तो देख लिया बेचारा, ये लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री लुकलुक दाऊ जी महाराज। तो गाइस, ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई उनकी लीलाएं, जो कि गोवर्धन पर्वत पर उनकी लीलाओं के आज भी अवशेष हैं, और इसीलिए रोजाना यहाँ पर हजारों श्रद्धालु इसकी 22 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने के लिए आते रहते हैं। और आप सामने की तरफ तो देख ही सकते हैं लोग यहाँ पर कैसे रेंग रेंग कर इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में भाई इतना ही, अब मिलते हैं भाई कल मजेदार सी वीडियो लेके। तो भाई तब तक के लिए जय श्री राम।